हेलो दोस्तों, आज देखिए हम दूसरे फ़ैन को ठीक करते हैं। यहाँ पर इसका जो मेन तार होते हैं दो, वो अट गए हैं। यहाँ एक तार अटा हुआ है तो ये नहीं चल रहा है, तो इसको आज हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम ये देखिए, इसे छीलते हैं पहले, और छीलने के बाद इसे सेट करेंगे। ये काम थोड़ा सावधानी से करें, लाइट का काम है, कहीं करंट करंट ना लग जाए। तो पेचकस प्लास अपना साथ रखें, और इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, सेट करेंगे। तो दिखाते हैं आपको किस प्रकार सेट करते हैं इसे और कैसे जोड़ते हैं। यहाँ से देखो, ये फिटिंग हुई हुई है और वहाँ पर सेट है। वहाँ से कनेक्शन कट करना पड़ेगा, और ऐसे तो खास बात नहीं है, पर अपना ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक काम करें। तो दोस्तों, ये जो वायर है इसे हम अब सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद ये चल जाएगा। तो इसे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बस वैसे मैंने साधारणतः इसे सेट करके देख लिया है, ये गड़बड़ थी। तो देखो, इसे हटा देता हूँ। नॉर्मली ये हट गया, इसे थोड़ा छीलना पड़ेगा, और छील कर हम इसे सेट कर देंगे। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं मैन तार के, दो मैन वायर के, यहाँ पर देख लीजिए। तो एक वायर है वो लगा हुआ है, एक हटा हुआ है। देखिए, मैं चक्कू की सहायता से इसे जो नट है इसे ढीला कर लिया है, और अब इसे प्लास की सहायता से छील कर लगा दूँगा। तो चक्कू आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पर प्लास्टिक हो पीछे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने ये जोड़ दिया है, वायर सेट कर दिया है, और अब आपको मैं चला कर दिखाता हूँ। ये फैन चला देते हैं, और अब खटका दबाते ही ये फैन चलेगा। देखिए चलने लगा। तो इसमें ये मिस्टेक थी, इसका एक वायर हटा हुआ था। तो अब देखिए अपनी स्पीड के साथ चलने लगा। तो ये फैन हमने ठीक कर दिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी।